नमकीन चावल तो आप अक्सर बनाते ही रहते होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल नमकीन चावल की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसके सामने बिरयानी भी फेल हो जाएगी। बड़ा ही आसान सा तरीका है और एक बार अगर आप इस तरह से नमकीन चावल बना लेंगे तो मेरी गारंटी है हर बार इसी तरीके से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे सोया चंक्स यानी कि सोया बड़ी। हाई प्रोटीन से भरपूर ये बड़ियां बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती हैं और फायदेमंद तो होती ही हैं। तो मैं यहाँ पर सोया चंक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो इसकी जगह पनीर का यूज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन सोया चंक्स को एक बारी हम पानी से अच्छे से वॉश कर लेते हैं। पानी से धुलने के बाद अब हम इसमें डालेंगे गर्म पानी और इसको ढक करके 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से पानी को सोख कर लें और बढ़िया से फूल जाएं। जब तक सोया चंक्स फूल रही है तब तक हम और तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं बासमती चावल। वैसे आप यहाँ पर कोई भी चावल ले सकते हैं जो भी आपके घर पर यूज़ किए जाते हों। तो ये मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल 1 कप चावल लिए हैं। तो सबसे पहले इन चावलों को हमें बढ़िया से 2 से 3 बारी अच्छे से वॉश करना है। चावल में होता है स्टार्च, अगर आप अच्छे से नहीं धुलेंगे तो जो आपके नमकीन चावल बनने वाले हैं ना, वो खिले खिले नहीं बनेंगे, चावल आपस में चिपक जाएंगे। तो ये जो क्लाउडी पानी दिख रहा है ना, ये स्टार्च होता है। तो अच्छे से हम इसको 2 से 3 बारी धो लेते हैं। तो चावल भी हमारे अच्छे से वॉश हो चुके हैं, चावलों को भी हम साइड में रख देते हैं। बस फटाफट से एक तैयारी और कर लेते हैं जो कि है मसाले की। तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में हम लेंगे 2 छोटी चम्मच दही। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच ही हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, साथ ही में 1 चम्मच के लगभग हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच डालेंगे गरम मसाला। ये तो हमने बिल्कुल बेसिक मसाले डाले, लेकिन आज हम इसमें बहुत ही चटपटा फ्लेवर देने वाले हैं, इतना टेस्टी फ्लेवर जिसके सामने बिरयानी भी फीकी पड़ जाए। तो हम यहाँ पर डाल रहे हैं 1 चम्मच भर करके पाव भाजी मसाला। इस मसाले को डालने से इतना बेहतरीन टेस्ट आता है नमकीन चावल में कि बिरयानी भी फीकी पड़ जाएगी। फटाफट से मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दही के साथ। थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ ताकि इसका एक पेस्ट सा बन करके तैयार हो जाए। तो लीजिए फ्रेंड्स, मसाला भी हमारा रेडी हो चुका है, सारी तैयारी हो चुकी है, चलते हैं गैस की तरफ। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आ रही हो तो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, उसे जरूर दबा दीजिएगा। अब गैस में रखा है हमने एक प्रेशर कुकर, इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ जब भी सब्जी या नमकीन चावल वगैरह बनते हैं ना, तो हम सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पर रिफाइंड या जो भी ऑयल यूज़ करते हैं ले सकते हैं। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 2 से 3 डालेंगे तेज पत्ता, 2-3 हरी मिर्च डाल देंगे जिसको हमने लंबाई में काटा है, और 1 बड़े साइज का हमने प्याज लिया है जिसको लंबाई में पतला पतला कट कर लिया है। तो प्याज भी डाल देंगे और अब अच्छे से प्याज को मिर्च को करेंगे फ्राई। यहाँ पर ना हमें प्याज को बढ़िया सुनहरा होने तक फ्राई करना है, ताकि जो प्याज का सौंधापन है, जो टेस्ट है, वो हमारे बढ़िया से नमकीन चावल में आ सके। और आप देख सकते हो मैंने इसको बढ़िया सुनहरा फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम कटे हुए टमाटर और शिमला मिर्च। यहाँ पर फ्रेंड्स, आपके पास अगर और कोई वेजिटेबल्स है, जैसे मटर हो गया, फूल गोभी हो गया, वो भी आप डाल सकते हैं, बट आज मेरे पास इतनी ही थी, केवल शिमला मिर्च ही थी, टमाटर तो जाएगा ही जाएगा। अब बस फटाफट से टमाटर को और शिमला मिर्च को भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे मसाले का घोल। थोड़ा सा हम कटोरी को क्लीन करते हुए इसमें पानी डाल देते हैं और अब हम करेंगे मसाले की बढ़िया से भुनाई। मसाले को सूखा ना डाल करके इस तरीके से दही के साथ मिक्स करके डालने से ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। एक जो मसाले की खुशबू होती है, जो अच्छे से भुनाई हो जाती है ना, वो बहुत अच्छा टेस्ट देती है हमारे नमकीन चावल में, और दही की वजह से इसमें टेस्ट और भी बढ़िया आता है। तो आप देख सकते हैं मैंने मसाले को बढ़िया से भून लिया है, बहुत ही बढ़िया से खुशबू आ रही है। इसमें हमने जो पाव भाजी मसाला डाला था ना, उसकी वजह से एक अलग ही खुशबू आ रही है। अब इसमें हम डाल देते हैं कच्चे आलू, नमकीन चावल है तो आलू तो जाएंगे ही जाएंगे, और साथ ही में ये जो हमने सोया चंक्स भिगो करके रखी थी ना गर्म पानी में, ये अच्छे से फूल गई हैं, इनको हमने अच्छे से स्क्वीज कर लिया है यानी कि निचोड़ लिया है। तो हम इसमें सोया चंक्स भी डाल देंगे
अब हम अच्छे से सोया चंक्स को और सभी सब्जियों को आधा से एक मिनट के लिए इसी तरह से भूनेंगे, क्योंकि सोया चंक्स अच्छे से भुन जानी चाहिए ताकि इनका जो कच्चा सा फ्लेवर है वो ना आए। इस तरह से भूनने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने लगभग एक मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं वॉश किए हुए चावल। तो अभी तक मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, तो स्वादानुसार इसमें हम नमक डाल देंगे और साथ ही में डाल देंगे हम कटा हुआ हरा धनिया। इस स्टेज पर हरा धनिया डालने से जो धनिया की खुशबू होती है ना, बहुत ही अच्छी आती है नमकीन चावल में। ऊपर से तो आप डाल ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ज़रूर डालिएगा पकाते समय। बस फटाफट से हम चावलों को करेंगे मिक्स और आधा मिनट तक इसी तरह से हम चावलों की भी बढ़िया से भुनाई कर लेंगे। फ्रेंड्स कैसी लग रही है आपको मेरी रेसिपी? अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने चावलों की भी बढ़िया से भुनाई कर ली है, लगभग आधा मिनट तक इसको भी भून लिया है। अब बारी आती है इसमें पानी डालने की। तो मैं आपको बिल्कुल सही मेजरमेंट बताऊं, जितने आपने चावल लिए थे जिस कप से या कटोरी से माप करके, उसके जस्ट डबल क्वांटिटी में आपको पानी डालना है। बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है। अगर पानी कम रहता है तो चावल पक तो जाता है लेकिन अंदर से कच्चा रह जाता है। चावल की विशेषता होनी चाहिए, चावल खिला खिला हो, साथ में सॉफ्ट भी होना चाहिए खाने में। तो मैंने जस्ट डबल जितना चावल लिया था उसके डबल पानी डाल दिया है। अच्छे से एक बारी मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। अब इसमें हम एक स्पेशल चीज़ और डालेंगे, वो है आधा नींबू का रस। बिल्कुल आखिरी में जब इसका ढक्कन बंद करना है तभी आपको नींबू का रस डालना है। तो पूरे में ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। अधिकतर लोग नमकीन चावल में ऊपर से नींबू का रस डाल के खाते हैं, लेकिन इस तरीके से आप नींबू का रस डाल दीजिए पूरे ही नमकीन चावल में, बहुत ही कमाल का फ्लेवर आएगा। अब इसका ढक्कन कर देते हैं बंद और इसमें आने देते हैं दो सीटियाँ। दो सीटी आने के बाद हमने पूरा यहाँ पर प्रेशर निकलने तक इंतजार करना है और उसके बाद अब हम ढक्कन को खोलेंगे। तो ये लीजिए, बनकर के बिल्कुल तैयार है हमारे नमकीन चावल विद सोया चंक्स। बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और चटपटे बनकर के तैयार होते हैं। ये देखिए कितने परफेक्टली हमारे नमकीन चावल बनकर के तैयार हुए हैं। ये देखिए, आप इसमें पनीर भी डाल सकते थे अगर आपको सोया चंक्स पसंद नहीं है तो। तो चलिए फटाफट से करते हैं नमकीन चावल की प्लेटिंग। ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारे बहुत ही चटपटे मज़ेदार से नमकीन चावल। झटपट से बन जाते हैं। शाम के समय यानी कि रात के खाने में मैं अक्सर इन्हीं चावल को बनाती हूँ। बिरयानी भी फेल है, बिरयानी में तो बहुत झंझट होता है, इसमें कोई झंझट नहीं है। सिर्फ एक बार आप इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको पर्सनली कह रही हूँ इतने ज़्यादा पसंद आएंगे कि बिरयानी भी आप भूल जाएँ। तो मेरे घर पर तो सभी को है ये नमकीन चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद। तो आप ट्राई करिए, आपको कैसी लगी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।